अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर वन। राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर एज अ मशीन। कंप्यूटर के फोर फीचर्स आपने एज अ मशीन के तौर पर कौन से हैं आपने लिखने हैं। स्पीड फर्स्ट है हमारा, पहला है स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। It takes only few seconds for calculation that we might take hours to perform। यानी कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और जो काम हम घंटों में करते हैं, जो काम हम बहुत ज़्यादा घंटों में करते हैं उसको हम चंद सेकेंड्स में कर सकते हैं। नंबर टू, एक्यूरेसी। कंप्यूटर गिव्स हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स। इफ़ द इनपुट इज एक्यूरेट द आउटपुट विल बी एक्यूरेट। If the input is correct, the output will be accurate। कंप्यूटर बिल्कुल सही से हमें रिजल्ट देता है। अगर हम इनपुट उसके अंदर बिल्कुल ठीक से इनपुट करेंगे, कोई भी डाटा हम सही से इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर हमें उसका बिल्कुल ठीक रिजल्ट देगा। मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डूइंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर बहुत सारे एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है। स्टोरेज यानी महफूज करना। कंप्यूटर कैन स्टोर आ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर थ्री, राइट डाउन वन ऑफ द यूजेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ईच द गिवन कैटेगरी। यानी जो भी कैटेगरी दी हुई है, तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, तीन प्लेसेस हैं, स्कूल, हॉस्पिटल एंड होम्स। ये स्कूल्स में कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, हॉस्पिटल में किस लिए यूज़ होता है और होम्स में किस लिए यूज़ होता है, वो सारे यूजेज इनके आपने यहाँ लिखने हैं। स्कूल टीचर्स यूजेस कंप्यूटर टू प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ फीस। हॉस्पिटल्स कंप्यूटर इज यूज इन हॉस्पिटल्स टू कीप द पेशेंट्स रिकॉर्ड। होम्स कंप्यूटर यूज इन होम्स फॉर प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। एक्टिविटी नंबर फोर, लेबल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम लिखने हैं आपको। मोनिटर, प्रिंटर, CPU, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस। राइट What are the difference between computer and human being? What? At least two. At least two आपने कंप्यूटर के डिफरेंस लिखने हैं कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग। आ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। आ कंप्यूटर कैन नेवर मिस्टेक्स। ह्यूमन बींग्स आ ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग्स। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स। एक्टिविटी नंबर फाइव, रीड एंड मैच फंक्शंस टू द रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनके साथ आपने इनको मैच करना है। नंबर वन, इट हेल्प्स एन एंटरिंग डाटा बाय प्रेसिंग द वेरियस कीज़। कंप्यूटर के अंदर डाटा हम बहुत सारी कीज़ को प्रेस करके लिखते हैं, इनपुट करते हैं। किस चीज़ से करते हैं? कीबोर्ड। आ कीबोर्ड से मैच करने हैं। इट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन आ मोनिटर ऑन टू आ पेपर। मॉनिटर पर जो हमें लिखते हैं नज़र आ रहा होता है, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ जा रहा होता है, तो वो हम पेपर से किस चीज़ के ज़रिए निकालते हैं? प्रिंटर। इट डिस्प्लेज द एक्शंस दैट आर परफॉर्म यूजिंग अ माउस और कीबोर्ड। जो भी एक्शंस हमारे माउस या कीबोर्ड से हम कर रहे होते हैं, वो एक्शंस हमें किस चीज़ पर नज़र आ रहे होते हैं? यस, मॉनिटर के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। इट कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? यस, CPU. It is used to select and drag items on the monitor. It is also used to draw and paint. कोई भी आइटम हमने सेलेक्ट करना हो मॉनिटर के ऊपर या हमने पेंट करनी हो तो हम कौन से पार्ट्स को यूज़ करेंगे? यस, हम माउस को यूज़ करेंगे। एक्टिविटी नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई एंड अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को आपने इसको सही करके लिखना है। इनकरेक्ट हैं आपने इनको करेक्ट करके लिखना है। टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्पीकर, हेडफोन। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंस डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इट नीड्स एक्सटर्नल डिवाइसेस टू बी फुली फंक्शनल। इट इज लार्ज इन साइज। इट रन्स ओनली मेन पावर सप्लाई। It is all in one computer system, laptop. It is all in one computer system. It is small in size. It can run on battery, AC supply and main power supply. And thanks. Enjoying yourself and do work hard.